हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय। और आज जो हम कैनवा की सीरीज ट्यूटोरियल सीरीज, जो एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिसको जिसको हम कुछ हमने कुछ वीडियोस बनाई है, ठीक है, कुछ वीडियोस बनाई है और उसमें से जो भी चीजें निकल के आ रही हैं वो हम बना रहे हैं कि हम उस टूल का ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज कर सके। ठीक है, जितने भी डिजिटल मार्केटर होते हैं या एफिलिएट मार्केटर होते हैं उस टूल को यूज करते ही करते हैं। तो हम उसमें से ये लेके आए हैं कि हम कैसे, जो भी बिगनर फ्रेंडली है या जो बिगनर है, ठीक है, तो उनको कैसे मदद हो सके, कैसे, अगर जिन्होंने अभी तक कैनवा का टूल को यूज नहीं किया तो वो कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट कर सके। तो हमारी कोशिश यही है कि हम पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना के उनको देंगे कि अगर उनको चाहे फ्यूचर में कुछ भी चीज की जरूरत हो तो वो यहाँ से प्राप्त कर लें। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छा सीख पाए और अच्छी चीजें ग्रैप्स कर लें। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए। जैसा कि हमने जो टॉपिक बनाए थे, बेसिक अकाउंट सेटअप, इमेज डिजाइन, इंसर्ट ऑडियो, एफबी एड क्रिएटिव, हाउ टू क्रिएट वीडियो, हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, और एक जो है लोगो। ठीक है, इसके बाद भी हम और भी जो इतने भी टॉपिक्स हमको मिलेंगे और भी हम इसमें एड ऑन करते रहेंगे, जैसे हमने गेट रिस्पॉन्स के सीरीज में किया था। ठीक है, तो अगर आपको लैंडिंग पेज और एक ऑटोमेशन टूल को जानना है तो आप मेरे गेट रिस्पॉन्स के सीरीज भी देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारा एक ऑटोमेशन कैसे सेटअप होता है वो पूरा चीज समझने को मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, कैनवा की बात कर रहे हैं तो कैनवा पे चलते हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक देख लिए, बेसिक अकाउंट सेटअप देख लिया, इमेज डिजाइन देख लिया, इंसर्ट वीडियो देख लिया, एफ बी एड क्रिएटिव, जो ठीक है, एफ बी एड क्रिएटिव तो हमने ये भी देख लिया है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने यही बताया था। अब चलते हैं हाउ टू क्रिएट वीडियो। ठीक है, हाउ टू क्रिएट वीडियो, कैसे वीडियो उसमें बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए तो चलते हैं, कैनवा पे डिजाइनिंग टूल है जिसपे चलते हैं हम और वहां पे डिजाइन करते हैं एक वीडियो। सबसे पहले तो आपको कैनवा खोल लेना है, अकाउंट सेटअप कर लेना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्रिएट डिजाइन, ठीक है, तो क्रिएट डिजाइन में आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो परफेक्ट साइज दी रहती है वो साइज अकॉर्डिंग टू, मतलब वो डिसाइड कर लेता है। ठीक है, जो परफेक्ट साइज होती है एचडी क्वालिटी में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे ये आ रहा है एज पेज टाइमिंग थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब हम चलते हैं यहाँ से, आपको सॉरी गाइस, हाँ अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये टूल बार है। ठीक है, यहाँ पे इनके टूल्स ऑप्शन है, तो यहाँ पे चलते हैं। जैसे आपने वीडियो दिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो वाला ही पार्ट खुल के आ गया। अब अगर आपको यहाँ से कुछ भी बनाना है, ठीक है, जैसे हैप्पी बर्थडे वाला बनाना है तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हो। और आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये सारे इसमें फ्री वाले होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्लाइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइड दी हुई है तो यहाँ पे आप अगर एक सिंगल पे क्लिक करोगे तो सिंगल वाली स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, सिंगल पे नहीं करना है हमको, अप्लाई ऑल थ्री पेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई थ्री पेजेस करेंगे तो तीनों पेज यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बिग सिस लिखा हुआ है जो आर, इस पे कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें लिखी होती है, जैसे मैं स्लाइड पे करूंगा इस पे भी कुछ चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब इस पे भी मैं कुछ चीजें करूंगा यहाँ पे, तो इस पे भी कुछ चीज लिखी है। अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ कि ये क्या है और कैसा है, इसमें ट्यून कैसी है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो वीडियो बनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे एक या दो वीडियो तो बना के दिखाऊंगा ही। ठीक है, अब ये जैसे हैप्पी बर्थडे बिग सिस लिखा है, ठीक, तो मैं इसको चेंज, इसका जो कलर है बैकग्राउंड, एक तो पहले मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपको लगाना है, मान लीजिए कि आपको येल्लो लगाना है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अब इनको जो है इसमें अगर कोई चेंज करना है आपको तो आप इसमें से कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, और अगर इसको पूरे डब्बे को सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे जैसे दो कलर दिए हुए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक भी है गुलाबी भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप दो कलर में से कोई एक कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने प्राइमरी कलर, मतलब जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो ले रखे हैं, तो यहाँ पे आप इस टाइप से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इसमें चेंज करोगे तो आपको एक अलग ही रूप दिख जाएगा, लुक दिख जाएगा, लुक एंड फील। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब इसका भी कलर है, अगर इस लाइट का कलर है तो इसको मैं चेंज करना चाहूंगा, इसको अगर मैं चेंज करना है मुझे। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे येलो रखा तो मैं लगभग मिलता जुलता ही रखना चाहूंगा, या फिर मैं येलो ही रखूंगा, और अगर मेरे को इसको भी रखना है तो इस लाइट पे भी मैं येलो ही कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे कलर पे मैं ऑप्शन पे जाऊंगा और ये जो येलो है शायद यही है, तो मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो इनका जो हेक्सा कोड है, ठीक है, तो कोड जो ये है इसका जो पीले वाले का कोड है वो सी सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इस पे कि इस पे जो कोड है वो यही है। ठीक है, और इस पे जो कोड है वो कौन सा कोड है। ठीक है, तो यहीं पे सारे चीज बैकग्राउंड तीनों सेट हो गई। अब मुझे जो सेट करना है टैग सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे बिग सिस लिखा है तो मैं बिग ब्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रो कर दिया। ठीक है, बिग ब्रो। अब ये जो है यहाँ पे मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मेरे को फंड की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी छोटे कर देता हूँ ताकि वो एक लाइन में बैठ जाए। ठीक है, उस ठीक है, उसके बाद मेरे जो वीडियो है, अगर ये स्लाइड है, अगर मेरे को एक और स्लाइड जोड़नी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो थ्री डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे मैं आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक नया पेज करते हैं। ठीक है, नया पेज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट पेज करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है डिलीट पेज। तो हमने जो डिलीट है, हमने डिलीट किसको करना है, हमने डिलीट इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे डिलीट पेज का ऑप्शन क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पे है, अब मैं जो म्यूजिक भी डाला हुआ है तो म्यूजिक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ लव। ठीक है, तो लव ऑलवेज, एक मिनट मैं इस स्लाइड पे करता हूँ। ठीक है, यू आर एवरी थिंग डेट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर यू इन अ सिस्टर एंड मोर। यहाँ पे भी मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब मैं अपने ब्रदर को करना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि दो लाइन में हो गया, तो इसको क्या करना है हमको, इसको यहाँ पे जाके, ठीक है, ये टैक्स हो गया, और इसको इसको थोड़ी सी स्लाइड करना है ताकि वो एक लाइन में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिस का फोटो डाला है, ठीक है, यहाँ पे इनकी सिस का फोटो डाला है या वीडियो डाला हुआ है, छोटा सा एक वीडियो डाला हुआ, तो हम भी कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से कोई वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ डालना है, कुछ भी डालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वीडियो है या फोटो है, कुछ भी जो मेरी चीज़ें अपलोड हुई होंगी यहाँ पे फ्यूचर में, जो भी अपलोडेड है वो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई छोटी क्लिप नहीं दिख रही है वीडियो वाली, तो मैं काम करता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इनको रहन देते हैं, और अगर आपको हटाना भी है तो इसको यहाँ पे डिलीट करके कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको अंडू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू आर ऑलवेज बीन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, और उसके बाद ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वाला है लव ऑलवेज हेडलाइन। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो इस टाइप से लगाओ। तो इसको जो है पूरे को, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, और इसको यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये लव यू ऑलवेज, और इसको लेके हम पहले इसको जमाते हैं, जैसे इसको मैंने जमाया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इसको जमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इसको जमाया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या एक लाइन में चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप इस पे कैनवा में जब भी आप कुछ करना चाहोगे तो आपको ये जो कुछ एक देखना है यहाँ पे, आपको एक लाइन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे तो उससे पता लग जाता है कि एकदम परफेक्टली जम गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये स्टार है, तो इनमें को कुछ नहीं करना है, आपको एलिमेंट पे गए, एलिमेंट पे शेप्स ले। ठीक है, शेप्स यहाँ पे, या फिर स्पार्क, या फिर ऐसा करते हैं। ठीक है, स्पार्क, ठीक है। अब स्पार्कल क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे कुछ समथिंग अमेजिंग हो, मतलब कुछ अमेजिंग सा लगे, मतलब मजा आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक मतलब कुछ चमक रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, और यहाँ पे एक और पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी इस पे आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया, और एक मैं यहाँ पे कोने पे डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और इनको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इनकी जगह मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे ये भी फ्री है। ठीक है, पर ये उस पे येलो पे येलो दिखेगा नहीं। और फिर एक ये डाल देते हैं, ठीक है, ग्लास।
और एक ये डाल देते हैं, ये भी कलर जो है ना इनका कलर, इसका जो है रेड कर देते हैं, रेड या चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस पे जो लाइनिंग है वो लाइनिंग का कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड से मिलते जुलते ही ले लेते हैं, सॉरी ये। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लाइनें अपने चेंज कर दी, सारी चीज चेंज कर दी। ठीक है, अगर अब हम इसको, अगर हम यहाँ पे क्या लिखा, सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो सेटअप। ठीक है, तो अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि स्लाइड भी जोड़ सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। अब हमको ये वाला जो है, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे भी, जैसे यहाँ से भी मेरे को ये जो हटाने हैं, ठीक है, ये दोनों नहीं रखना है मुझे, ये रखना है। और यहाँ पे मैं एक स्पार्क दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ, और एक और मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे मैं स्पार्क दे देता हूँ। ठीक है, इस पर भी चमकती हुई चीज़ दिखे मुझे। और यहाँ पे जो है फूल है इनको हटा देता हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, और एक चीज़ को और एक और दे देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्पार्क दे दिया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे मैं स्पार्क दे दिया मैंने, तो इससे क्या होगा कि ये जो है मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, और चाहे तो और भी कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अब पॉइंट में अगर हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है, तो इसको मेरे को पूरे अच्छे करना है। ठीक है, इसको मैं पूरा सजा देता हूँ अच्छे से। अब ठीक है, अब इसको मैं अगर राइट करूँ, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो ये जमनी राइट, ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है मैंने, तो ये एक वीडियो बन गई है पूरी। ठीक है, यहाँ कैसी म्यूजिक है। ठीक है, अब उसके बाद है, ये तो एक हो गया। ठीक है, ये तो एक हो गया, अगर इसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड पे आपको MP4 का ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है, ये MP4 का आ गया, यहाँ से आप स्लाइड भी चूज़ कर सकते हो, कितनी करना है, ठीक है, कितनी स्लाइड करनी है, तो जिसका आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप एक वीडियो बना के ग्रीटिंग भी अपनी दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक जो मैंने बनाया था वो बताता हूँ आपको एक बार। ठीक है, चलते हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से एकदम से ले सकते हो। अब जो मैंने बताया बनाया था वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको खुद ही बना के बता देता हूँ ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको ये लेना है। ठीक है, अब ये लेना है, तो ये मैं इसमें क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो सुपर फलकॉन, और भी मैं देखता हूँ, इसको ऑल कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा बनाना है जिसमें वीडियो, ठीक है, तो मतलब जिसमें मज़ा आ जाए। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो योगा की पूरी स्लाइड, ठीक है, फ्री क्लास, ठीक है, फॉर योगा। अब इसको एक बार हम सुन लेते हैं, इसमें म्यूजिक क्या डला हुआ। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ चेंज कर,
खुद की वीडियो भी बना सकते हो, और कैसे बनाते हो मैं एक आपको बहुत मतलब एक बना के दिखाता हूँ। अभी पीछे चलते हैं हम इसको, और एक मुझे थीम नहीं मिल रही है, मैं एक मिनट वो देखता हूँ यहाँ पे। चलो देखो, मैं आपको ना ये वाली जो है ना, ये जिसको मैं, ठीक है मुझे इतनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी इस ये तो फ्री नहीं है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं मुझे यही चीज चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये किसी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है, मैं यहीं पे हो गया, और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ये किया, ठीक है, तो ये स्लाइड्स बना दी है। अब हम स्लाइड में एक साउंड डालेंगे, अभी ये सुन लेते पहले। इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो साउंड था फर्स्ट वाली क्लिप के लिए था, ठीक है, तो बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं फिर से प्ले करता हूँ। We'll be right back.
है, तो इस टाइप से आप वीडियो बना सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसको अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको पेज पूछ रहा है कितने करना है, तो आपने अगर बहुत सारे पेज है, ठीक है, तो बहुत सारे पेज है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपको सब करना है, ठीक है, तो सब करना है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए। अगर आपको सेलेक्टेड करना है तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। दो करना है, दो कर दिया, उसके बाद यहाँ पे तीसरा नहीं करना है, तीसरा नहीं करना है, चौथा करना है, तो यहाँ पे ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो आपको आपको कहाँ से क्या करना है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीधा मुझे चार चाहिए, ठीक है, तो चार में टिक लग गया, उसके बाद डाउनलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बता ही देता हूँ, यहाँ पे मैं मुझे ऑल ही चाहिए, ठीक है, मैं इसको करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अभी डाउनलोड प्रोसेस चालू हो गई है और ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड की प्रोसेस चालू हो गई है। यहाँ पे अभी आपको एक ओपन पॉपअप मिल जाएगा, तो आप उससे फिर वो बोलेगा कि आपके कंप्यूटर में सेव करें, तो सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 मिनट में मैं दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी है शायद इसलिए टाइम लग रहा है, और इसको चलिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये म्यूजिक है, तो इसको क्या कर सकते हो कि इसको अगर आपको डिलीट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट भी मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपको बढ़ानी है, वॉल्यूम तो वैसे भी फुल है, यहाँ पे एडजस्ट करनी है, ठीक है, काटना है, कुछ भी करना है डुप्लीकेट, तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे इस ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये जो म्यूजिक है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें अप्लाई नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नया साउंड डालेंगे ऑडियो। यहाँ पे हमको फ्रीड ढूंढना है, ठीक है, ये जो क्राउन लगा प्रो लिखा ये नहीं ढूंढना है। ठीक है, ये वाला साउंड देखते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमको स्टार्टिंग से चाहिए भैया, यहाँ पे हमको स्टार्टिंग से चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये नया वीडियो, जो वीडियो गेम ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आता है, आपको ये जो मिलेगा पूरी HD क्वालिटी में ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो वीडियो में आज का टॉपिक जो यही था जो हमने कवर किया है, वीडियो कैसे बनाते हैं इसमें, तो मैंने और भी आपको बता दिया। आप यहाँ पे और भी जाके जो वीडियो की टेम्पलेट से, यहाँ पे आप टेम्पलेट दे सकते हो, चाहे आपको क्रिसमस की बनानी हो, चाहे आप कुछ भी बना लो। ठीक है, क्रिसमस की मोस्टली तो प्रो प्रो लिखा हुआ है, तो पेड है, आप इनकी फ्री में देख सकते हो, कहीं पे ढूंढना पड़ेगी आपको, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे, तो आप इस पे बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकते हो। और अपने यूट्यूब चैनल या किसी को प्रेजेंट करना है या कुछ भी है, प्रेजेंटेशन बनाना कुछ भी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो